एक वाइल्ड फायर अनकंट्रोल फायर होती है जो वाइल्ड लैंड वेजिटेशन को बर्न करती है, मोस्टली रूरल रीजन्स में। ये वाइल्ड फायर्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सवानास और दूसरे इकोसिस्टम्स में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से होते रहती हैं, और ये एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है। वाइल्ड फायर्स स्टार्ट हो सकते हैं नेचुरल अकरेंस से भी, जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स या एक ह्यूमन मेड स्पार्क से भी। हाउएवर ये वेदर कंडीशन ही डिटरमाइन करते हैं कि एक वाइल्ड फायर कितनी ग्रो होगी। विंड, हाई टेम्परेचर्स और लेस रेनफॉल, ये सब ड्राइड आउट रीजन्स छोड़ देते हैं वेजिटेशन में, जो एज फ्यूल काम करता है फायर को स्प्रेड करने के लिए। टोपोग्राफी भी एक मेजर रोल प्ले करती है वाइल्ड फायर्स के स्प्रेड होने के लिए। फ्लेम्स अपहिल्स फास्टर बर्न करते हैं कंपेयर टू डाउनहिल। स्टिल वाइल्ड फायर्स एसेंशियल हैं कंटिन्यूड सर्वाइवल के लिए कुछ प्लांट स्पीसीज की, और ये इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं जो ट्रीज के लिए हार्मफुल होते हैं। इन वाइल्ड फायर्स की वजह से न्यू ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स को ग्रो करने में हेल्प भी मिलती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ इकोसिस्टम्स ज्यादा ससेप्टिबल हो गए हैं फ्लेम्स के लिए। वार्मर टेम्परेचर से ड्रॉट्स और ड्राइड फॉरेस्ट और ज्यादा हो गए हैं, जिससे वाइल्ड फायर्स प्लैनेट के मोस्ट वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर्स बन गए हैं।